अभी 10 मिनट में शेरे सिवान के पुत्र उसामा साहब साहब का आगमन होने जा रहा है 10 मिनट में, और इंशाल्लाह बहुत गर्म जोशी से हम लोग इनका स्वागत करेंगे। यहाँ सारे समुदाय के सारे धर्म के लोग इनकी इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। बाजा नगाड़ा के साथ मरहूम सिवान साहबुद्दीन साहब, पूर्व सांसद आरजेडी के पुत्र आने वाले हैं उसामा साहब, उन्हीं को हम लोग आए हैं यहाँ गर्मजोशी से रिसीव करने। अब एक ही जगह भीड़ नहीं लगा। सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन के बेटे उसामा साहब इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाते हैं। हाल ही में उसामा साहब की शादी हुई है। अब उसामा साहब एक और खास वजह से चर्चा में हैं। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बहरहाल आइए जानते हैं कि आखिर उसामा साहब के चर्चा में रहने की वजह क्या है। दरअसल उसामा साहब इन दिनों झारखंड में हैं। उसामा साहब रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर समर्थकों के साथ नजर आए हैं। अचानक झारखंड जाने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। इनमें से एक वजह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में किसी शादी के लिए उसामा साहब को निमंत्रण दिया गया था। इसी शादी को अटेंड करने के लिए उसामा साहब झारखंड आए हैं। झारखंड की स्थानीय मीडिया और कई समर्थकों ने उसामा साहब की तस्वीरें साझा भी की है। उसामा साहब के एक समर्थक ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि उसामा साहबुद्दीन साहब अपने निजी पारिवारिक कार्यक्रम के लिए झारखंड पहुंचे हैं। उन्होंने रांची एयरपोर्ट से बोकारो का रुख किया। उसामा साहब का बोकारो में बाली डी टोल टैक्स, सीवनडी, नया मोड़ समेत विभिन्न जगह पर भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने इस अचानक से दौरे को लेकर कई तरह के मायने निकाले हैं। हालांकि उसामा साहब ने किसी भी तरह के मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने भविष्य में दोबारा बोकारो आने की इच्छा जाहिर की। बता दें कि उसामा साहब की हाल ही में शादी हुई है। वहीं नवंबर महीने में उसामा साहब की बहन की भी शादी होने वाली है। इस शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।